आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आप यह जिंदगी जी रहे हैं उससे आप खुश हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो आप इस वीडियो को छोड़कर यहीं जा सकते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मैंने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है लेकिन मैं उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मन तो करता है लक्ष्य को पाने की, लेकिन क्या करूँ, पा ही नहीं पा रहा हूँ। उसे पाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसे अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। यदि ऐसी समस्या आपके सामने भी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको अपने लक्ष्य की प्यास लगी है क्या? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप झूठ बोल रहे हैं। यदि ऐसा होता तो आप अपने लक्ष्य को कब का प्राप्त कर लिए होते? मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपने लक्ष्य की प्यास लगी ही नहीं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है लक्ष्य की प्यास। आइए इसे एक उदाहरण से ध्यान पूर्वक समझते हैं। आपको बहुत जोरों की प्यास लगी है, आपसे काफी दूरी पर पानी है। क्या आप पानी पीने उतना दूर जाएंगे? यदि आपका जवाब है हाँ तो मैं पूछता हूँ क्यों? तो आपका जवाब होगा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और मैं पानी पिए बिना रह नहीं सकता। उसकी हमें बहुत जरूरत है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। वह मुझसे कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं उसे लेकर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उस समय यह बहाना नहीं बनाएंगे कि मुझे नहीं चाहिए पानी, मुझसे कोई कहेगा जाकर पानी पियो तभी जाके पीऊंगा, या ये तो बहाना नहीं बनाएंगे कि पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा, और ये तो नहीं कहेंगे कि बाद में पानी पी लेंगे। मुझे पता है कि आप यह सब बहाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमें हर हाल में पानी चाहिए ही चाहिए। एक बार और सुनिए, आपको पता है कि आपको हर हाल में पानी चाहिए ही चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने मंजिल को पाने के लिए ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे अपनी मंजिल चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो, लेकिन उस टाइम क्यों बहाना बनाते हैं? आप अपने लक्ष्य को उस पानी की तरह बनाइए और अपने आप को उसका प्यासा व्यक्ति। यदि आप यह करने में सफल हो गए, यदि आप बहाना बनाना छोड़ दिए, यदि आपको अपने लक्ष्य की प्यास लग गई, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको अपने लक्ष्य की प्यास जरूर लग गई होगी, और यदि लग गई है अपने लक्ष्य की प्यास तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। निकल पड़िए उस प्यासे व्यक्ति की तरह अपने लक्ष्य की प्यास में और उसे पाकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। मैं इस वीडियो का अंत सिर्फ इन बातों से करना चाहूंगा कि हमारी पराजय तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं, बल्कि हमारी पराजय तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।